Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So this video is regarding Kasturba Medical College, Mangalore. तो Mangalore में जो Kasturba Medical College है उसमें आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कितना कट ऑफ स्कोर था और कितने लास्ट रैंक पे वहाँ पे कॉलेज मिला था, क्या फी स्ट्रक्चर है इस बार 2021 का और जो है और अदर प्रोसेस क्या क्या है, इन सारी चीजों को डिटेल से बात करेंगे. ओके तो सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे मणिपाल यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है, अगर हॉस्पिटल की बात करें मतलब मेडिकल कॉलेज का नाम है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, जो आपका मैंगलोर में है. मैंने लास्ट वीडियो में जो मणिपाल में था उसके रिगार्डिंग बात किया था, तो ये जो मैंगलोर में कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज है उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं. और मैंगलोर कहाँ पे आपका, कर्नाटका में है, कर्नाटका. अगर मैंगलोर एयरपोर्ट की बात करें तो मैंगलोर एयरपोर्ट से 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज है. और आपको पता है ये एक क्या है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है. डीम्ड यूनिवर्सिटी है मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो इसकी काउंसलिंग mcc.nic.in की वेबसाइट पे होगी, mcc.nic.in की वेबसाइट पे होगी. क्या प्रोसेस रहता है इस बार का वो आगे अपडेट करेंगे आप लोगों को. और दूसरी चीज, ये यूनिवर्सिटी या ये मेडिकल कॉलेज स्टेबलाइज हुआ था आपका, स्टेबलाइज हुआ था 1955 में, राइट. और अगर एमबीबीएस के सीट्स की बात करें तो एमबीबीएस की सीट्स है इसमें 250 एमबीबीएस की सीट्स है इसमें. एंड दिस मेडिकल कॉलेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एमसीआई. ओके, एमसीआई के द्वारा रिकॉग्नाइज है 250 सीट्स के लिए. काफी अच्छा मेडिकल कॉलेज है, राइट. ये तो इसकी बेसिक चीज की बात कर ली. अगर यहाँ पे इसके हॉस्पिटल की अगर बात करें तो हॉस्पिटल इसका 600 बेड का हॉस्पिटल प्रेजेंट है इसमें, राइट. अब फी स्ट्रक्चर देखिए कि जब आप इस मेडिकल कॉलेज में आएंगे तो आपको फी स्ट्रक्चर चार इंस्टॉलमेंट में लगेगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट. इन इंस्टॉलमेंट में आपको इसका जो है फीस देना पड़ेगा. तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको कितना देना पड़ेगा, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपका 17,80,000 रुपीज देना पड़ेगा. वहीं पर सेकेंड इंस्टॉलमेंट की बात करें तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 17,70,000 रुपीज देना पड़ेगा, जो यहाँ पे 10,000 रुपए ज्यादा है. ये 10,000 रुपए कॉलेज की सिक्योरिटी के नाम पे लेता है ये लोग, राइट. 10,000 रुपए सिक्योरिटी मनी के नाम पे लेता है. तो 17,70,000. थर्ड इंस्टॉलमेंट में भी आपको 17,70,000 रुपीज देना पड़ेगा, राइट. और वहीं पे अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 17,68,500 रुपीज. ये आपको 17,68,500 रुपए देना पड़ेगा. अब वहीं पे इन सब को टोटल कर दिया जाए तो टोटल एमबीबीएस की ट्यूशन फीस ओवरऑल इसका कितना होगा, 70,80,500. ओके, 70,80,500 इसका ट्यूशन फीस होगा सिर्फ और सिर्फ पूरे एमबीबीएस कोर्स के दौरान. अब अदर चार्जेस की बात करें कि आप हॉस्टल में रहेंगे तो हॉस्टल में क्या चार्ज लगेगा, बेस चार्ज कितना लगेगा और मैं हॉस्टल की क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये सारी चीज को एक बार देखिए. तो आप को फर्स्ट ईयर में हॉस्टल फीस आपको 32,000 रुपीज देना पड़ेगा, 32,000. और हॉस्टल डिपॉजिट यानी हॉस्टल सिक्योरिटी मनी के तौर पे 7,500 रुपया लगेगा, राइट. और यूटिलिटी चार्ज इसमें है 33,000. देखिये ये सारे फीस काफी रिजनेबल है, हालांकि ये फीस आपका ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ पिछले बार के हिसाब से, क्योंकि पिछले बार अगर देखें तो 14 लाख के आसपास में इसका फीस स्ट्रक्चर था, राइट. यूटिलिटी चार्ज 33,000. यूटिलिटी चार्ज मतलब अगर हॉस्टल में आप एक्स्ट्रा चीजें यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ये वो, मतलब इन सारी चीजों के लिए 33,000 रुपीज लेगा ये लोग. मेस चार्ज की बात करें तो मेस चार्ज 46,000 रुपीज आपको लगेगा, राइट. तो ये आपका एक्स्ट्रा चार्ज है जो आपको हॉस्टल और मेस चार्ज और हॉस्टल डिपॉजिट के नाम पे लगेगा.
अब इसका अगर टोटल करें तो वो टोटल होता है 1,18,500, 1,18,500 रुपए आपको लगेगा हर साल समझिए इसके नाम पे। तो 70,80,500 इधर और 1,18,500 पर ईयर आपको लगेगा। तो ये इसकी टोटल फी स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब वहीं पे इसका क्या देखते हैं हम लोग, वहीं पे अब इसका कट ऑफ देखते हैं कि अगर इस मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका कितना कट ऑफ होना चाहिए। तो अगर कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो जो कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल में था, केएमसी मणिपाल में जो था, अगर उसका कट ऑफ स्कोर का बात करें तो उसमें कट ऑफ स्कोर था आपका 544 मार्क्स, नीट में आपका इतना मार्क्स होना चाहिए। और अब मैंगलोर की बात करें जो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैंगलोर में अगर कट ऑफ की बात करें तो इसमें कट ऑफ दिया था 533 नीट मार्क्स। ओके, नीट मार्क्स इतने मार्क्स पे लास्ट में सिलेक्शन हो गया था इस मेडिकल कॉलेज में। और वहीं पे रैंक की बात करें तो 31,168 नीट रैंक की बात करें, 31,168 नीट रैंक। ऑल इंडिया रैंक की बात करेंगे तो 31,168 नीट रैंक पे सिलेक्शन हुआ था, राइट। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके बारे में ये कट ऑफ भी हाई हो गई है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में या उसके कंपैरिजन में। जब मेरे टाइम पे जब मैंने एडमिशन लिया था तो उस टाइम पे मेरे फ्रेंड्स ने कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर में कुछ ने एडमिशन लिया था जिसमें उनका मार्क्स था 520 के आसपास में, तो 520 मार्क्स वाले को भी उस टाइम पे कॉलेज मिला था, मतलब 500 से ऊपर वालों को चांस था। बट इस बार ओवरऑल आपका 533, तो कह सकते हैं कि अगर आपका 550 के आसपास में मार्क्स है तो आप सेफ हो कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अब दूसरी चीज मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि जिन भी स्टूडेंट का मार्क्स 500 प्लस है तो उसको डेफिनेटली एक और मेडिकल कॉलेज, ऑब्वियसली ये नहीं कह सकते हैं कि इससे अच्छा मेडिकल कॉलेज, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटी में कह सकते हैं केएमसी मणिपाल बेस्ट है, उसकी रैंक फर्स्ट कह सकते हैं, फर्स्ट रैंक पे है। तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा बेस्ट तो नहीं मिलेगा, बट इस फी स्ट्रक्चर के आसपास में आपको दूसरे स्टेट में भी कॉलेज मिल सकता है। तो आप लोग अदर स्टेट की भी फी स्ट्रक्चर देख करके वहां पे भी ट्राई कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली अगर किसी को कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में ही एडमिशन लेना है तो उन दोनों मेडिकल कॉलेजों की मणिपाल या मैंगलोर की फी स्ट्रक्चर टोटल 70,80,500 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। दूसरा चीज, आपको एक्स्ट्रा 1,18,500 के आसपास में आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे जो हॉस्टल और मेस के नाम पे है। तो इन सारे चीजों का ध्यान में रखते हुए अगर सिर्फ और सिर्फ आप कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, आपको कोई पछतावा नहीं होगा। क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो लगभग 85% से ज्यादा स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में पास कर जाते हैं, कमी लोगों की वहां पे सप्ली लगती है और बैक लगती है। तो अच्छे स्टूडेंट्स जाते हैं, मेहनत करते हैं वहां पे, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो बिल्कुल वो सक्सेस होते हैं और आप भी सक्सेस हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू।